नमस्ते दोस्तों, छाया किचन में आप लोग का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी आलू पम्पम। जितना ये देखने में सुंदर होगा, खाने में भी टेस्टी होगा, बनाने भी आसान। तो देखिए, मैं 3 आलू ली हूँ। तो पहले मैं आलू का छिलका उतार लेती हूँ। तो देखिए, आलू का छिलका को मैं उतार ली हूँ। आप ये एक साइज का आलू लेंगे तो अच्छा बनेगा। तो मैं एक साइज का ली हूँ। तो देखिए, एक बर्तन में पानी ली हूँ, तो अब इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए, नमक घुल गया है। तो चलिए, अब आलू को काटती हूँ। तो देखिए, आलू को मैं चकले के ऊपर रख ली हूँ, तब मैं काट लेती हूँ। इस तरह करके काटना है। तो देखिए, 2 पीस बना ली हूँ। अब इसे धीरे धीरे काट लेती हूँ। चाकू को आर पार नहीं करना है, थोड़ा सा गैप रखना है। देखिए, इतना दूर। अब चाहे तो दो तरफ लकड़ी रख के भी काट सकते हैं। धीरे धीरे काटना है। तो देखिए, एक तरफ काट ली हूँ, अब इस तरफ करके काटना है। तो देखिए, कितना सुंदर डिजाइन बन गया, कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं नमक पानी में डुबा देती हूँ। ऐसे भी इसी तरह करके काट लेती हूँ। तो देखिए, इसे भी काट ली हूँ। अब इसे भी नमक पानी में डुबा देती हूँ और इसी तरह करके मैं सारा आलू को काट लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारा आलू को मैं काट ली हूँ और अब मैं नमक पानी में क्यों डुबा के रखी हूँ वो बताती हूँ। तो देखिए, ये मैं पहले काटी थी, डुबा के रखी थी, तो कितना सॉफ्ट हो गया, डिजाइन भी दिखने लगा है। तो धीरे धीरे इसी तरह करके सब डिजाइन दिखने लगेंगे। तो इसे मैं 40 से 50 मिनट तक नमक पानी में ही रखूंगी। तो देखिए दोस्तों, 50 मिनट तक पानी में डुबो के रखी थी। तो देखिए, इसका डिजाइन कितना सुंदर दिखने लगा है। आलू सॉफ्ट हो गया है, तब मैं पानी से निकाल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, एक रुमाल ली हूँ, तब मैं पोंछ के इसका पानी को सुखा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारे आलू को मैं पोंछ के पानी को सुखा ली हूँ। तब इसके लिए मसाला तैयार करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर ली हूँ, तब मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक। नमक आलू में पहले से दिया हुआ है, तो मैं हिसाब से ही डालूंगी, तब इसे दे देती हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, मसाले को अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो अब मैं एक आलू लेती हूँ, अब इसे अच्छे से मिश्रण को दे देती हूँ। देखिए, इस तरह करके देना है ताकि अंदर अच्छे से घुस जाए। तो देखिए, पूरे में लगा ली हूँ। अब इस तरह करके झाड़ देना है। अब इसी तरह करके मैं सारा आलू को तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, सारे आलू को मैं तैयार कर ली हूँ। तब मैं छानने का तैयारी करती हूँ। मैं चूल्हे में तेल पहले ही चढ़ा दी थी, तो तेल गरम हो गया है, तब मैं आलू को डाल देती हूँ। तो
मैं सारे आलू को एक बार में ही दे दी हूँ। अब धीरे धीरे पकने देती हूँ धीमी आंच में। अब मैं पलट देती हूँ। अब उलट पुलट कर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आलू बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। तब अच्छे से पका है कि नहीं दिखाती हूँ। तो एक लकड़ी ली हूँ, तो देखिए बहुत अच्छे से पक गया है। देखिए सारा पक गया है, तब मैं निकाल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आलू पम्पम बन के रेडी हो गया। तो एक प्लेट में निकाल ली हूँ। तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कितना क्रिस्पी बना है। देखिए ये सॉस दे के खाइएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और घर में सबको ही बहुत पसंद करेंगे। तो मेरा आलू पम्पम का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ और ऐसी नई रेसिपी में।